नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अन अकेडमी इस चैनल पर मिलेगी। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूँ। मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूँ तथा अन्य स्टेट विशेषों का मैं लगातार में देता रहा हूँ। दोस्तों, अन एकेडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, कहीं से भी हों, सभी आज अन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। यूपीएससी सीएससी के चैनल पे 15,519 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो कंप्रेहेंसिव हैं। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन 1 महीने की फ़ी है ₹5,000, 6 महीने की फ़ी है ₹22,500, 12 महीने की फ़ी है ₹27,500, 24 महीने की फ़ी है ₹40,000 और 36 महीने की फ़ी है ₹50,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 1 महीने का जो फी है वो 5,000 के जगह पे 10% छूट के साथ ₹4,500, 6 महीने की जो फीस 22,500 है। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए ₹20,250 पेड करना होगा। 12 महीने का जो फी ₹27,500 है, अगर आप हमारा कोड प्रयोग करेंगे तो आपको 10% छूट के साथ ₹24,750, 24 महीने का फी जो है 40,000 की जगह पे 10% छूट के साथ ₹36,000 और 36 महीने का फी जो ₹50,000 है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए ₹45,000 जमा करना होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको हमारा कोड AKS001 प्रयोग करना पड़ेगा। अन अकेडमी कमबैक, आप हमारा कोड AKS001 है, इसका आप जरूर यूज कीजिए इनरोल होने के लिए। आपको हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मिलेगा 60 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगी, अपॉर्चुनिटी कॉन्टेक्ट होगा। इसमें आपको विन अमेजिंग प्राइज मिलेगा 14 फरवरी को और 28 फरवरी को 11 बजे दिन में होगा। इसमें 1 से 3 रैंक तक जो लाएगा उसको कंप्लीमेंट्री अन एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर द टेन्योर ऑफ योर च्वाइस दिया जाएगा और रैंक 4 से लेकर रैंक 10 तक जो लाएगा उसको 75% ऑफ हो जाएगा। यूपीएससी अन एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो भी और रैंक 11 से लेकर रैंक 150 तक लाएगा, जो उसकी 50% फीस अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में माफ कर दिया जाएगा और जो रैंक 51 से लेकर रैंक 500 तक लाएगा उसका 25% ऑफ हो जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन में, जो भी आप च्वाइस करेंगे अन अकेडमी की तरफ से। विनर कैन चूज फॉर 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ यूपीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन। अन अकेडमी के चैनल पे यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए 1 ईयर बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है 12 फरवरी से और कंप्लीट 2 ईयर बैच कोर्स की शुरुआत भी किया जा रहा है। यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए ये भी 12 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है और एनसीईआरटी बैचेस की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए, यह भी 12 तारीख से शुरू हो रहा है। यहाँ पे तीनों में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बायलिंगुअल तीनों में पढ़ाया जाएगा। दोस्त, आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए,
AKS001 का प्रयोग कीजिए और आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए, आपको 10% का छूट दिया जाएगा। अनएकेडमी प्लस और प्लस सीएस यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस यूपीएससी सीएससी जीएस की जो फीस रखी गई है, कॉम्बो फीस रखी गई है, आइकोनिक में 12 महीने की फीस रखी गई है 88,705 रुपये, 24 महीने की जो फीस रखी गई है 1,31,510 रुपये और 36 महीने की जो फीस रखा गया है 1,67,220 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। इसी तरह यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल की जो फीस रखी गई है प्लस में 12 महीने की फीस रखी गई है 70,103 रुपये, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 99,680 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,21,200 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। इसलिए दोस्त आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए और आप लाभान्वित होइए। अब हम शुरू आज करने जा रहे हैं NCERT विपिन चंद्रा का ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा और नीतियां तथा उसका प्रभाव क्या कह रहा है। अब हम आज यहां पढ़ेंगे कि जब कंपनी का जब शासन स्थापित हो गया तो ब्रिटिश प्रशासन शासन का क्या भारत में किस तरह का प्रशासनिक ढांचा रहा, क्या क्या ये लोग कब किए, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसको दो भागों में हम बांट के देखेंगे, दो भागों में, किस जब कंपनी का शासन रहा उस समय प्रशासनिक ढांचा क्या था, मतलब 1858 से पहले 1857 की क्रांति के पहले तक जो कंपनी का जब शासन था उस समय प्रशासनिक ढांचा क्या था, और 1857 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन हो गया भारत पे तब प्रशासनिक ढांचा क्या था, इसी का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। कि यह चैप्टर जो है वह यूपीएससी सीएससी 2021-22 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए। इसी के साथ दोस्त मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उसका प्रभाव, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रशासनिक ढांचा। जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ उन्हें 3 प्रेसिडेंसियों में बांटा गया था, बंगाल, मद्रास और बंबई। क्या हुआ, आप देखे होंगे कि जैसे जैसे भारत में अंग्रेज विजय प्राप्त करते गए उन्होंने अपने पूरे क्षेत्र को 3 प्रेसिडेंसियों में बांटा, मतलब 3 गवर्नरों के नेतृत्व में रखा, पहला बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बंबई। लेकिन हम देखते हैं कि बांटा, लेकिन तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर के अधीन ही रखा गया, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी के अधीन दोनों प्रेसिडेंसियों को रखा गया, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी के लिए अलग से भी गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन वह गवर्नर जनरल जो कलकत्ता में बैठता था उसी के नेतृत्व में काम करते थे। 1853 में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर उसे प्रशासन की एक पृथक इकाई बनाकर पश्चिमोत्तर प्रांत नाम दिया गया था। प्रारंभ में ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन पूर्णतः कंपनी के हाथ में था, परंतु कालांतर में इस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। क्या कह रहा है कि जब 1857 के पहले तक 1857 की क्रांति तक के पहले तक ब्रिटिश क्षेत्र पर जो भी ब्रिटिश क्षेत्र थे, जैसे तीनों प्रेसिडेंसियों के अंतर्गत, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत और बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, इस पे किसका शासन था 1857 की क्रांति के पहले तक, कंपनी का सीधा शासन था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो प्रशासनिक परिवर्तन किए गए उसमें क्या किया गया था, उसमें कंपनी का शासन समाप्त करके
क्राउन का शासन शुरू कर दिया गया गया, मतलब ब्रिटिश महारानी का सीधा शासन शुरू हो गया। और गवर्नर जनरल जो, तो वो क्या कहने लगे, वायसराय हो गए, गवर्नर जनरल जो थे वो वायसराय कहे जाने लगे। भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, पहले हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1863 तक रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आया 1773 में, ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया 1784 में, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको मॉन्टेग्यू जेम्स फोर सुधार कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंटबेटन योजना 1947। यही है, दो भागों में हम प्रशासनिक ढांचा को बांट कर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कंपनी के अंतर्गत और दूसरा देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। हम इसी का एक एक करके आज अध्ययन करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। शुरू के समय में हम देखते हैं 1773 के पहले कंपनी की जो वित्तीय स्थिति क्या थी, वह संकट में थी तथा उसने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा था। ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में भारत में कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, इसलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला हस्तक्षेप था। हम देखते हैं कि 1773 में कंपनी की जो माली स्थिति थी संकट में थी, वित्तीय स्थिति इसकी अच्छी नहीं थी, और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी थे वह भ्रष्टाचार में लिप्त थे और कंपनी की जो माली स्थिति थी वह खराब हो गई थी। इसीलिए सरकार ने कंपनी के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 में पहला नियमन कानून बनाया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं बना, और यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या था, कंपनी के मामलों में पहला सीधा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने यह पहला कदम उठाया था। कंपनी के निदेशकों से कहा गया कि वे सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी सभी प्रकार के साक्ष्य ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करें। इस एक्ट के अंतर्गत एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की विशेष व्यवस्था की गई। क्या कह रहा है कि जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनसे कहा गया कि आप कंपनी के जितने दस्तावेज हैं आप उसको, चाहे वो सैनिक संबंधी दस्तावेज हैं, चाहे असैनिक संबंधी हैं, चाहे राजस्व संबंधी जो भी दस्तावेज हैं, आप ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करें, और इसी के आधार पर, देखने के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंतर्गत एक नया प्रशासनिक ढांचा, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नया प्रशासनिक
प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जो कंपनी पर क्या करता था, पहली बार सरकार के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी की कलकत्ता की फैक्ट्री का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर होता था, अब उसे कंपनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल उसके अधीन काम करने लगे। गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद या काउंसिल बनाई गई। क्या है पहला, ये पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यही है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंतर्गत क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत क्या हुआ कि बंगाल की कंपनी, कलकत्ता की जो फैक्ट्री थी कंपनी की, उसका जो अध्यक्ष होता था वो क्या होता था, बंगाल का गवर्नर कहा जाता। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हम क्या किया गया, इसमें जो प्रशासनिक परिवर्तन किया गया उसमें बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको कंपनी के अधीन जो बंगाल का गवर्नर था उसका विस्तार कर दिया गया, क्योंकि बंगाल के गवर्नर के साथ साथ बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर भी काम करते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत ही बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर को समाहित कर दिया गया। मतलब अब बंगाल के गवर्नर के अधीन बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर काम करने लगे और बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। पहली बार गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए 4 गवर्नर जनरल 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। क्या क्या हुआ, पहला परिवर्तन हुआ इसमें कि बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत शामिल कर दिया गया किसको, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को, और बंगाल का गवर्नर जो था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला परिवर्तन यही हुआ। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए या बंगाल के गवर्नर जनरल पे कंट्रोल स्थापित करने के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल का निर्माण किया गया। तीसरा परिवर्तन क्या किया गया कि न्याय व्यवस्था के लिए इस एक्ट के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई जिसका प्रथम जज इम्पे को बनाया गया। क्या कह रहे कि इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसका प्रथम जज इम्पे को बनाया गया। चौथा परिवर्तन क्या किया गया कि प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह इंग्लैंड वापस लौटने के समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, परंतु रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां जल्द ही स्पष्ट हो गई। क्या कह रहा है कि चौथा जो प्रशासनिक इसमें परिवर्तन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी थे वो बहुत बदनाम हो गए थे, किस चीज के लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इतना लूट खसोट मटा हुआ था कि कंपनी की माली स्थिति गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए ब्रिटिश संसद सरकार ने इस पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए यह नियम बनाया कि जो भी अधिकारी भारत से कार्य करने के बाद, कंपनी का अधिकारी जब ब्रिटेन वापस लौटेगा
तो उसको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, संपत्ति का ब्यौरा कि मतलब पहले उसकी संपत्ति कितनी थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है, यह बताना होगा। जैसे आज भी आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई सांसद या विधायक जब चुनाव लड़ता है या कोई अधिकारी जब बनता है तो अपने संपत्ति का ब्यौरा देता है, अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो उसी हिसाब से जांच की जाती है। आप देखे होंगे प्रत्येक साल निकलता है कि इस पुराने अधिकारी की, चाहे पुराने मंत्री की, चाहे कोई सांसद विधायक है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, उसकी संपत्ति इतना से बढ़कर इतना हो गई। वही चीज कह रहा कि भ्रष्टाचार पे कंट्रोल अब स्थापित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रत्येक अधिकारी के लिए यह नियम बनाया कि जब वो वापस लौटेंगे तो उन्हें अपनी आय का ब्यौरा देना। क्या क्या परिवर्तन हुआ? पहला परिवर्तन किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहला परिवर्तन किया गया, बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा भारत का। दूसरा परिवर्तन किया गया कि बंगाल बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तीसरा परिवर्तन किया गया कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चार लोगों की एक परिषद बनाई गई, चार लोगों की एक काउंसिल बनाया गया। चाहे आप इस पे यह कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए, जो कहीं ना कहीं उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए चार लोगों की एक काउंसिल का निर्माण किया गया। और क्या किया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसका पहला जज इम्पेको बनाया गया। पांचवा परिवर्तन क्या किया गया कि यह अनिवार्य कर दिया गया कि अगर कोई कंपनी का कर्मचारी जब वह ब्रिटेन लौटेगा, घर वापस लौटेगा, तो उसे अपनी आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा, संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। यह था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो भी सुधार किए गए 1773 के। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कमियां थी वह जल्दी ही स्पष्ट हो गई। दूसरा जो एक्ट पास किया गया वह था पिट्स इंडिया एक्ट, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो दूसरा अधिनियम लाया गया वह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। क्या कह रहा कि पिट्स इंडिया एक्ट को 1773 की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, और इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि कंपनी के द्वारा जो अधिकृत भारतीय क्षेत्र हैं उस पर ब्रिटिश ताज का के दावा, मतलब कंपनी के द्वारा जो भी क्षेत्र का विजित किया गया है उस पर कंपनी का नहीं ब्रिटिश ताज का दावा पहले वो है, उसके बाद कंपनी का है। एक तरह से यह क्या था कि कंपनी के ऊपर ब्रिटिश ताज का वैधानिक दस्तावेज था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यहाँ पे कंपनी के दोनों कार्य को अलग कर दिया गया कि मतलब कंपनी के व्यापारिक कार्य और कंपनी के राजनैतिक कार्य जो होंगे, प्रशासनिक कार्य, उसको अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों, मतलब सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी के नियंत्रण के लिए पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना। क्या कह रहा है कि यहाँ पे 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि कंपनी के ऊपर
कंपनी के ऊपर ब्रिटिश क्राउन का ज्यादा अधिकार बना रहे, इसके लिए कंपनी के कार्यों का बंटवारा कर दिया। कंपनी के कार्य मतलब उसके प्रशासनिक कार्य का और व्यापारिक कार्य को अलग अलग कर दिया। राजनीतिक कार्य को और व्यापारिक कार्य को, राजनीतिक कार्यों में सैनिक और राजस्व संबंधी तीनों मामलों को मिलाकर क्या किया गया, एक कंपनी, ये कहा गया कि कंपनी व्यापारी कार्य तो करती रहे और सैनिक असैनिक और राजस्व संबंधी जो भी कार्य होगा उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने पहली बार इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई कि क्या करेगा, वह कंपनी के असैनिक राजनीतिक क्रियाकलापों पर कंट्रोल करेगा, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो 1784 के पिट्स इंडिया के एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया जो कंपनी के राजनीतिक मामलों पर कंपनी को क्या करता था, कंपनी के राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण स्थापित। अब 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। क्या कह रहा है कि 1786 का जो अधिनियम था, 1786 का जो अधिनियम था वह इसने क्या किया, गवर्नर जनरल को और मजबूत बनाया, गवर्नर जनरल को और मजबूत बनाया। इसने क्या कहा कि अगर विशेष परिस्थिति में अगर परिषद के निर्णय गवर्नर जनरल के विचार से विपरीत हैं तो यह गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह उस निर्णय को क्या कर दे, रद्द कर सकता है। यह विशेष पावर दिया गया 1786 में, गवर्नर जनरल के पद को और मजबूत कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को और मजबूत करते हुए उसको भारत में प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, क्योंकि हम देखते हैं कि कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ था, किचनर विवाद शुरू हो गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस किचनर विवाद शुरू हो गया था, किचनर क्या था, सेनापति था, और उस गवर्नर जनरल से उसको कॉर्नवालिस के से उसकी विवाद शुरुआत हो गई थी। इसी विवाद का अंत करने के लिए 1786 में जो अधिनियम बनाया गया उसके तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल को ही भारत में फौज का सेनापति भी नियुक्त कर दिया गया। यह दो परिवर्तन किए गए 1786। 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। क्या कहा गया कि 1793 में का जो चार्टर एक्ट आया उसके तहत क्या किया गया, कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार दिया गया था पर उसको क्या कर दिया गया, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया कि 20 साल तक कंपनी और व्यापार कर सकती है। इस एक्ट में नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होते थे, जो ब्रिटेन में बैठते थे, उनके वेतन संबंधी जो भी मुद्दे थे वह कंपनी ने, सरकार ने क्या किया कि कंपनी के राजस्व से, मतलब जो राजस्व जो यहाँ इकट्ठा किया जाता था उससे देने की व्यवस्था की। पहले क्या था, पहले था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1793 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया कि नियंत्रण मंडल होगा, बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, इसका वेतन जो वेतन आदि भारतीय राजस्व पे निर्धारित कर दिया, और ब्रिटिश क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई,
तथा सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया। यह था 1793 का चार्टर। चार्टर एक्ट 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर। 1813 का चार्टर एक्ट कई विधियों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या किया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन जो व्यापारिक एकाधिकार था अठारह सौ तेरह के चार्टर एक्ट के तहत पहला काम किया गया कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद क्या किया गया कि यह अब समस्त जो अंग्रेज थे वह भारत के साथ खुली व्यापार कर सकते थे, लेकिन कंपनी को कुछ रियायत देते हुए चाय, चीनी और चीन के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार को बनाए रखा गया। क्या कहा गया, कहने का मतलब यह हुआ कि कंपनी के मामलों पे बहुत ज्यादा अब कंपनी के क्या हुआ, पहले एक ही कंपनी का है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था कि वही केवल व्यापार कर सकती थी ब्रिटेन की तरफ से भारत में, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का इसको समाप्त कर दिया गया। अब पूरे ब्रिटिशनों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया गया, लेकिन कंपनी के ऊपर कुछ रियायत देते हुए चाय के साथ चाय और चीन मतलब भारत में वह चाय का निर्यात कर सकती, व्यापार कर सकती थी, उसका एकाधिकार बना रहा, और चीन के साथ जो अफीम का व्यापार होता था उस पर कंपनी का अधिकार एकाधिकार बनाए रखा गया। क्या क्या हक है, अंग्रेजों के लिए व्यापार की खुली छूट प्रदान की गई और कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बनाना। और क्या किया गया, भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम और पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। क्या कारण कि भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए 1813 के अधिनियम के तहत नियम बनाए गए। 1813 का जो अधिनियम, चार्टर अधिनियम आया, उसके तहत भारतीय राजस्व से कैसे व्यय किए जाएगा इसका नियम बनाया गया, और इसी चार्टर के तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद पहले अनुमोदन करेगी तब उसको लागू किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई। और क्या किया गया था, सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया था कि पहली बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, पहली बार शिक्षा पर 1,00,000 रुपए पहली बार शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने की व्यवस्था। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि पहली बार भारत में शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने का व्यवस्था किया गया था 1813 के अधिनियम के तहत। पहली बार शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। और क्या किया गया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और किया गया था ईसाई मिशनरियों, ईसाई मिशनरियों को
भारत में प्रचार प्रसार की छूट। देखिए दो इंपॉर्टेंट रहा, पहला क्या किया गया, पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का फंड बनाया गया। दूसरा किया गया कि ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया। बहुत बार पूछा गया है कि कंपनी का शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, तो कंपनी का शासन 1813 के अधिनियम के तहत समाप्त करके पूरे ब्रिटिशनों के लिए खोल दिया गया। लेकिन लेकिन क्या है कि चीन के साथ और चाय के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना, ठीक है। दूसरा क्या किया गया, दूसरा यह किया गया कि यह नियम बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि भारतीय राजस्व से संबंधित जो भी व्यय होंगे और उसके लिए एक गाइडलाइन बनाया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया और ऐसा एक पद्धति बनाई गई कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकार के द्वारा जो भी विधियां बनाई जाएंगी उसको पहले ब्रिटिश संसद के द्वारा उसको मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया। और क्या किया गया, पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का फंड बनाया गया और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। और क्या किया गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट और है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और है, उसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, पहले क्या था कि पहले अगर ये था कि जैसे मान लीजिए अगर कोई हिंदू व्यक्ति ईसाई धर्म या कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेता था तो उसको संपत्ति से वंचित किया जा सकता था। लेकिन 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत यह नियम बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ना दूसरा धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसे उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं यह क्या था कि भारतीय भारतीयों के मामलों में, धार्मिक मामलों में यह कंपनी का पहली बार सीधा हस्तक्षेप था और 1857 की क्रांति का यह एक महत्वपूर्ण कारण बना, क्योंकि लोगों को यह लगा कि कंपनी जो है क्या कर रही है, हमारे धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप कर रही है। क्या क्या किया गया 1813 में, कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई और अगर कोई व्यक्ति अगर ईसाई धर्म स्वीकार करता था तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। यह परिवर्तन किया गया। अब 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जिसमें सभी नागरिक व एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। क्या करा, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, देखिए 1773 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया था कि कंपनी का जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसके अधीन कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को और बंबई प्रेसिडेंसी को। और 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, अब बंगाल का जो गवर्नर था, जनरल था, उसको क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया
1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और सभी नागरिक और सैन्य शक्ति भाई 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ही क्या किया गया था कि गवर्नर को क्या कर दिया गया था, सेनापति का भी उत्तरदायित्व दे दिया गया। और 1833 में हम देखते हैं कि क्या किया गया, गवर्नर जनरल के पद को और मजबूत करते हुए उसमें सभी राजनीतिक नागरिक और सैन्य शक्तियों को समाहित कर दिया गया। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश आधिपत्य वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। अब इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, 1833 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का 1813 के तहत कंपनी के क्या था, व्यापार पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार में कंपनी का अधिकार बना रहा। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया कि चीन के साथ भी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया और चाय के व्यापार को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। यह इम्पोर्टेंट है, मतलब कंपनी के व्यापार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इस अधिनियम में मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। क्या कह रहा है कि इस अधिनियम मतलब 1833 के अधिनियम में मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी जो भी शक्तियां दी गई थी उसको समाप्त कर दिया गया और उसको गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसमें समाहित करके उसके अधिकार को असीमित कर दिया गया, मतलब गवर्नर जनरल को और मजबूती प्रदान की गई 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके अंतर्गत 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया एवं नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण धारा क्या थी, 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर चयन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि किस अधिनियम के तहत, क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत जाति वर्ण व्यवस्था धर्म के आधार पर सरकारी पदों पर चयन के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। 1833 के अधिनियम के तहत इसको किसके द्वारा, 1853 के अधिनियम के तहत धारा 87 के तहत, मतलब एक्ट 87 के तहत जाति के आधार पे वर्ण के आधार पे सरकारी पदों पे चयन को समाप्त कर दिया। 1813 और 1833 दोनों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सभी अधिनियम है लेकिन कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, इस तरह से यह काफी महत्वपूर्ण है। अब है 1853 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई और विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई जिसमें विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया। परिषद की इस शाखा ने निम्न संसद की तरह कार्य किया। क्या कर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत
भारत में किस अधिनियम के तहत विधान परिषद की स्थापना की गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से यह पूछ सकता है कि भारत में किस चार्टर अधिनियम के तहत विधान परिषद की पहली बार व्यवस्था की गई, जो किस तरह जो जो विधान परिषद एक संसद की तरह कार्य कर सकती थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व तो दिया गया था। तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में विधान 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना पहली बार 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और क्या किया गया कि 1853 के अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। विधायी कार्यों का प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को किस अधिनियम के तहत, चार्टर अधिनियम के तहत अलग अलग कर दिया गया। तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया था, दोनों को अलग अलग कर दिया। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। पहली बार 1853 में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया और 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में छह नए सदस्यों में से चार का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता है। क्या कारण है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद के जो छह सदस्य होते थे, छह नए सदस्य जो चुने जाते थे, भाई 12 सदस्यों में, देखिए 12 क्या था, 12 सदस्यीय विधान परिषद का निर्माण किया गया, जिसमें से छह जो सदस्य होते थे वह गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य होते थे, जिसमें से चार का जो चुनाव होता था वह बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के जी स्थानीय जो प्रांतीय सरकारें थी वहां से चार को चुना जाना था। और भारत शासन अधिनियम 1858, 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 की विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही एक नए प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। क्या कह रहा है, देखिए 1858 का जो अधिनियम पारित किया गया, 1858 का जो अधिनियम आया कब आया, 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक अधिनियम बनाया गया, भारत शासन अधिनियम, नियम जिसमें क्या था, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि भविष्य में, आगे भविष्य में 1857 की जैसा विप्लव न हो, क्रांति न हो। और क्या किया गया, इसी के साथ यह भी व्यवस्था किया गया कि ऐसी एक प्रशासनिक व्यवस्था किया गया जो स्थापित करके भारत का जो उपयोग है वह ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में होता रहे, मतलब भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में होता रहे, ऐसी व्यवस्था किया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। क्या किया गया, सबसे पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन कि भारत में कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। देखिए 1833 का जब चार्टर अधिनियम पढ़े उसमें क्या किया गया था कि कंपनी के व्यापारिक कार्य को समाप्त करके केवल प्रशासनिक कार्य करने के लिए छोड़ दिया गया था।
लेकिन 1858 का जो चार्टर अधिनियम आया उसके तहत क्या किया गया, कंपनी का जो प्रशासनिक कार्य था उसको उससे छीन लिया गया और ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन अब कंपनी के अधीन शासन न होकर वह सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत और महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया। क्या किया गया इसके तहत, कंपनी का शासन समाप्त, क्राउन का शासन शुरू हो गया। दूसरा क्या किया गया कि अधिनियम में गवर्नर जनरल का नाम पद समाप्त कर दिया गया, अब उसको वायसराय कर दिया गया, वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त करके उसका उसका नाम क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम पद समाप्त करके उसे वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि भारत में हुआ। वह ब्रिटिश क्राउन का अब सीधा प्रतिनिधि, मतलब कंपनी से उसे अब कुछ लेना देना नहीं था, वह ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि हो गया। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला वायसराय कौन था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था और वह अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय भी बनने का श्रेय उसी को प्राप्त हुआ, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय में लॉर्ड कैनिंग जो था वही क्या था, गवर्नर जनरल था। और जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त हुई और 1858 के अधिनियम के तहत जो प्रशासनिक परिवर्तन किए गए उसमें उसे ही पहला वायसराय बनाया गया, जो कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व तो भारत में स्थापित हुआ। तो 1858 का अधिनियम इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हुआ, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद निर्धारित किया गया, अब वह क्या था, ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि होता था। और क्या किया गया इस अधिनियम के तहत, मतलब 1858 के अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर भारत में शासन की वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो पहले जो निदेशक नियंत्रक मंडल का जो स्थापना किया गया था और निदेशक बोर्ड की स्थापना की जाती थी, जो भारत में शासन को कंट्रोल करता था, उसको समाप्त कर दिया गया, अब सीधे ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भी वैध प्रणाली उसी के द्वारा ब्रिटिश मतलब नियमों के तहत शासन किया जाएगा और कंपनी के वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1861, भारत शासन परिषद अधिनियम 1861, 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति आरंभ की कि जिस सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति की संज्ञा दी जाती है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1861 का अधिनियम जो लाया गया उसमें क्या किया गया, संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया था, किस भारत चार्टर के अधिनियम के तहत संवैधानिक विकास के का सूत्रपात किया गया था। तो 1861 के अधिनियम के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का भी प्रयत्न किया गया। क्या कारण कि यह देखा गया कि 1857 की क्रांति में एक कारण यह भी था, क्योंकि
1857 की क्रांति में हम देखे थे कि मध्यम वर्ग जो पढ़ा लिखा वर्ग था वह इस क्रांति से क्या रहा था, दूर रहा था। तो उसको संतुष्ट रखने के लिए और उसे अपने फेवर में बनाए रखने के लिए 1861 के अधिनियम के तहत यह व्यवस्था किया गया कि जो भारतीय पढ़े लिखे भारतीय हैं इनको क्या किया जाए, शासन में भागीदार बनाकर उन्हें अपने पक्ष में रखा जाए। यह नियम बनाया गया कि पहली बार यह हुआ कि भारत में जो ब्रिटिश शासन क्राउन का शासन चल रहा है उसमें पढ़े लिखे भारतीयों को भी शामिल किया जाए, भागीदार बनाया जाए, क्योंकि 1857 की क्रांति में यह वर्ग क्रांति से दूर रहा था, मतलब ब्रिटिश कंपनी का स्वामी भक्त बनकर रहा था। 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस शक्ति का प्रयोग वह सुविवेक से कर सकता था। क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 के अधिनियम के तहत। 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को किसी भी कोई भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया। इस शक्ति का प्रयोग वह अपने विवेक से स्वविवेक से कर सकता। और क्या किया गया, गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि वह उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रांत प्रेसिडेंसी अथवा कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का निर्माण कर वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कर सकता है। मतलब क्या किया गया कि 1861 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल या वायसराय के पद को और मजबूती प्रदान किया गया और उसको यह छूट दी गई क्या कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है और वह अपने उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रांत प्रेसिडेंसी या कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है या नए प्रांतों का निर्माण कर सकता है और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकता है। यह शक्ति गवर्नर जनरल या वायसराय को प्रदान किया गया। अब भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1892, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। क्या कह रहा है कि जो भारत में जो विधान परिषद का जो गठन किया गया था उसमें क्या किया गया, उसमें उसकी संख्या में वृद्धि किया गया, उसकी संख्या में वृद्धि किया गया और इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों की संख्या में वृद्धि किया गया, लेकिन अभी भी बहुमत जो था वह सरकारी सदस्यों का ही रहा था। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई, अब इसे आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति प्रदान की गई। देखिए कहा किया जाता है कि केवल बहस ही कर सकती थी विधान परिषद जो था वह केवल बहस ही कर सकता था, उसे उसको रोकने का अधिकार नहीं था, वह उस पे वोटिंग नहीं कर सकती थी, बहस कर सकती थी। बजट पे अंतिम फैसला जो था वह गवर्नर जनरल या वायसराय का होता। क्या किया गया है कि गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया और विधान परिषद की शक्तियों में तो वृद्धि किया गया, अब आर्थिक बजट पर बहस करने की अनुमति, इसके पहले तक क्या था कि बजट पे कोई भी बहस नहीं कर सकती थी विधान परिषद, लेकिन 1892 के अधिनियम के तहत बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन अंतिम जो फैसला होता था वह गवर्नर जनरल का ही मान्य था। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मुद्दों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त था। क्या कह रहा है कि 1892 के
अधिनियम के तहत ऐसी व्यवस्था की गई कि जनहित संबंधित जो भी मुद्दे हैं उस पे परिषद सवाल पूछ सकती है, प्रश्न पूछ सकती है। अब भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, इसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यही कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव तथा मिंटो भारत में वायसराय थे। इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड मार्ले थे वो क्या थे, भारत के भारत मंत्री या भारत सचिव थे, और मिंटो जो थे वो भारत में गवर्नर जनरल थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि किया। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से अब 60 हो गई, प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। क्या कह रहा है कि इसके तहत क्या किया गया, मार्ले मिंटो सुधार के तहत और ज्यादा अधिकार देते हुए विधान परिषदों को उनकी संख्या में इजाफा कर दिया गया, उनके सदस्यों की संख्या में इजाफा कर दिया गया। अब केंद्रीय परिषद में की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। पहली बार भारतीयों को क्या किया गया, देखिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार भारतीयों को भारत सचिव तथा वायसराय के परिषद में स्थान दिया गया और बजट पर बहस करने के तथा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई। क्या कह रहा है कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ, इसके तहत पहली बार भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल या वायसराय की परिषद में स्थान दिया गया, परिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया भारतीयों को, और बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत। अब भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्या कह रहा है, 1919 का जो अधिनियम था इसको क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि इस अधिनियम का जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की जिसे भविष्य में के सुधारों की ओर संकेत किया गया था। क्या कह रहा है, यह भी वही चीज था जिसे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, उसी तरह 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भी क्या थे, भारत मंत्री थे या भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत में गवर्नर जनरल थे, और इसीलिए इसी तरह 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा किया कि जिसमें भविष्य में क्या सुधार किए जाएंगे इसकी ओर इशारा किया गया था। तत्कालीन समय में सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया। क्या कहा जाता है कि इन सुधार के पीछे क्या कारण था, उस समय भारत में होम रूल आंदोलन चल रहे थे और प्रथम विश्व युद्ध
जो क्या था ब्रिटिश क्राउन पे यह दबाव था कि वह क्या करे भारत के मामलों में सुधार करे और भारतीयों को शासन में भागीदार बनाए। इसी को देखते हुए क्या किया गया, प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन या उत्तरदायी सरकार की शुरुआत कब किया गया था, 1919 में। याद रखिएगा, पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत प्रांतों में की गई थी 1919 में। 1919 में 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस चार्टर नियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया या उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। तो 1919 के चार्टर अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद और विधानसभा वाले द्वितीय सदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। और क्या किया गया, 1919 के चार्टर अधिनियम के ही तहत द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। यह भी परीक्षा में पूछता है कि किस अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, तो वह था चार्टर अधिनियम 1919 के तहत। और चुनाव में मत अधिकार उच्च समाप्ति धारकों को दिया गया। मतलब क्या किया गया, वोट देने का वोटिंग दिया गया, अधिकार दिया गया, लेकिन यह क्या था, केवल उच्च अधिकार जो प्राप्त लोग थे उन्हीं लोगों को वोटिंग का अधिकार प्रदान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति किया गया और रिजर्व बैंक ऑफ बैंक की स्थापना की गई। और क्या किया गया, लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। भारत में बर्मा, भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया और प्रांतों में स्वायत्तता या द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की गई। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 1935 का अधिनियम कहा जाता है कि भारतीय संविधान, कहा ही क्या जाता है ही कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा कोई अधिनियम शामिल किया गया जो भारत, जो वर्तमान में भारत, 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम के जो भी प्रावधान थे वह हमारे संविधान में आज भी है, शामिल है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह उसमें आज भी भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान शामिल है। इसके तहत क्या किया गया, पहला किया गया अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया, पहला। 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत हुआ। यह देखिए सब लाइन परीक्षा में पूछा जाता है, जो भी यहाँ पे लाइन है वह सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना अधिनियम 1935 के तहत, 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना 1935 के अंतर्गत, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया 1935 के अंतर्गत, इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति कर दिया गया 1935 के तहत और भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया।
और लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया भारत में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1935 के तहत। भारत को 19 अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत को से बर्मा को अलग कर दिया गया। कब किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके पहले क्या किया गया था कि भारत में बर्मा को विलय कर दिया गया था और भारत के गवर्नर जनरल द्वारा बर्मा का भी शासन चलाया जाता था, लेकिन 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया भारत से। और क्या किया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया और केंद्र में राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। यह इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा कई बार पूछा हुआ है कि राज्यों में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया, तो 1935 के चार्टर अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की या दोहरा शासन प्रणाली की शुरुआत किया गया। तो यह चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहा परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसके सभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्त आप इस हमारे क्लास को जरूर अटेंड कीजिए और हमारे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके आने वाला जो परीक्षा है, चाहे आप जो भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप सिविल सेवा का एग्जाम देते हैं, चाहे स्टेट पीसीएसओ का एग्जाम देते हैं, उसकी दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से आपको आने वाले परीक्षा 21-22 पीएससी सीएससी दे रहे हो, चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसलिए दोस्त आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीएससी सीएससी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्त, धन्यवाद देता हूँ और आज का क्लास अब हम यही समाप्त करेंगे। देखिए अनएकेडमिक कम्बैट की शुरुआत हो रही है 14 और 28 फरवरी को। आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करके आप इनरोल हो सकते हैं। उसमें 60 क्वेश्चन दिया जाएगा और 60 मिनट का समय दिया जाएगा, रेटिंग स्कोरिंग होगी और क्वांटिटी कॉन्टेक्ट मिलेगा आपको। इसके लिए जो अमेजन प्राइज है और फरवरी 20 और 21 फरवरी को रजिस्टर नाउ किया जा रहा है, ए सबमिट टू ट्रांसफार्म योर सीएससी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कुछ स्पीकर हैं, जिसमें पी चिदंबरम जी हैं, कपिल सिब्बल हैं, कैलाश सत्यार्थी को बुलाया जा रहा है, दुर्गा शक्ति नागपाल हैं, अशोक खेमका जी हैं और भजन सिंह हैं और अजीत रनाडे हैं, कुमार विश्वास जी हैं, अनिल स्वरूप हैं और पवन क्वेश्चन को बुलाया जा रहा है, आईएफएस अधिकारी हैं। आप इनके इसको अटेंड कीजिए, जरूर इनके विचार सुनिए कि कैसे आप एक सही तरीके से एक सिविल सेवक आप बन सकते हैं। आप इसमें भाग लीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए और आप हमारे कोड के साथ एडमिशन लीजिए। इसी के साथ आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।